हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि मींस विंटर सीजन में हीटिंग का मींस हीटर का सेटिंग कैसे करें। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि एसी वाला जो बटन है कंप्रेसर को ऑन करें या ऑफ करें या फिर क्या क्या सेटिंग करें। बहुत सारा अगर सेटिंग गड़बड़ा जाता तो सफोकेशन भी होने लगता है, तो बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम हो जाता है। मीन्स एसी का तो सेटिंग सबको पता है कैसे करना है, चिल्ड गर्मियों के दिन में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट अक्सर विंटर सीजन में हीटर ऑन करने के लिए बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है कि मीन्स एसी का बटन ऑन करे या ऑफ करे या फिर कैसे क्या सेटिंग करना है। तो उसी चीज के बारे में आज टोटल डिस्कस करने वाला हूं। हर एक चीज मैं बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से अपने हीटर को सेटिंग कर सकते हैं अपने कार में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा नाइट में शूट कर रहा हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा हो सकता है आपको वीडियो क्वालिटी बढ़िया क्लियर नहीं मिल सकता, बट मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, ज्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करूंगा, तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपका इससे सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उन लोगों के पास भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। तो फ्रेंड्स चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ इस टाइप का एसी का कंट्रोल्स यहां पे आप देख रहे हैं। ऑटोमेटिक एसी है बट मैनुअल में भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहां पे दो नॉब है, यहां पे आप देख रहे हैं, जैसे मैं इसको ऑन करता हूं, ये देखिए ये ऑन हो गया, अभी ये एसी ऑन है, ठीक है, ये ऑफ हो गया। तो यहां पे देखिए ये जो कंट्रोल है ये फैन का है, ब्लोअर का, ठीक है, और ये हीटिंग का। ये देखिए मैं इधर कर रहा हूं, इस मींस ब्लू वाले साइड में, तो ये विंटर समर के लिए होता है, चिल्ड करने के लिए ब्लू, और जो जितना रेड साइड है ये हीटिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सब में रहता है, किसी में नॉब रहता है या फिर किसी टाइप की होती है, बट काम सबका एक ही काम होता है। और ये एसी है जो कंप्रेसर का, हम अपना जो एसी में जो गाड़ी में जो कंप्रेसर रहता है उसका स्विच है। तो सारे लोग इसी में फंस जाते हैं कि हीटर चालू करते वक्त ये एसी का बटन को ऑन करना है कि नहीं करना है, हीटिंग के लिए ऑन करना है कि नहीं करना है। विंटर समर में चिल्ड होने के लिए तो हम लोग इसको ऑन करते हैं, बट क्या हीटिंग करने के लिए भी इसको ऑन करना है कि नहीं करना, उसी चीज के मैं बारे में बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, हीटिंग जो होता है दो तरीके से आप गाड़ी में हीट कर सकते हैं। देखिए पहला तो होता है जो भी है, पहला जो होता है हमारा कि एसी, जो हम लोग का कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को गाड़ी में, कि जो हमारे को गाड़ी में जो एसी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ चिल्ड करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। जो अंदर में जो कॉइल लगी रहती है वो हीटिंग और कूलिंग दोनों कॉइल होती है। इसमें जो एसी दी जाती है जितनी भी गाड़ी में, वो हीटिंग के भी दी जाती है और कूलिंग के लिए भी दी जाती है। तो जो हमारा जो कंप्रेसर है उससे आप हीटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, कूलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, ये मानते हैं कि नहीं मैं एसी को नहीं चालूंगा, इससे एवरेज भी कम होता है, मैं हीटिंग को। तो आप हीटिंग का ये तो पहला ऑप्शन है कि आप कोई से भी टेम्परेचर सेट करें, आप इसको चिल्ड कर पूरा। देखिए जैसे मैं इसको इधर पूरा रेड की तरफ कर देता हूं, ठीक है, ये हाई हो गया, ठीक है। अब यहां से मैं ऑन कर दिया हूं यहां से, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूं। तो यहां से मुझे इंजन का, जब इंजन रनिंग होगा तो उसका जो हीट होता है उससे चालू हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो ये जो कंप्रेसर है वो गर्म हवा को सर्कुलेट करने लगेगा, तो आप इससे कूल हीट कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन हो गया। लेकिन किसी लोगों को मानना है कि मैं क्यों फालतू का पेट्रोल को एक्स्ट्रा जलाऊं, तो ये तो पहला पोजीशन है। इसमें देखिए क्या बेनिफिट होता है, अगर आप इसको ऑन करते हैं हीटिंग के टाइम में, तो आपका जो एक नॉर्मल जो एयर का कुछ क्वालिटी होता है वो बढ़िया रहेगा, आपको सफोकेशन बहुत कम फील होगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई चीज को हम हीट करते हैं, ठीक है, या फिर रूम में हो गया या फिर कैबिन हो गया, तो जहां पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है, हीट होने से ऑक्सीजन कम होने लगता है। इसीलिए आप सुने होंगे कि कभी भी रूम हीटर या फिर कुछ भी ऐसा हीटर रूम में जला के नहीं सोना चाहिए, इससे बहुत सारा आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है, आप बेहोश भी हो सकते हैं, सफोकेशन होने लगती है आपको। तो इसीलिए इस अगर ये बटन को यूज करेंगे तो आपको इस टाइप का कोई फील नहीं होगा, आप लंबे दूर तक बिना गाड़ी को रोके या फिर बिना फ्रेश एयर लिए भी आप जा सकते हैं, अगर आप एसी के बटन को ऑन करते हैं तो। सेकंड पोजीशन क्या होता है कि आप एसी को बंद कर ले, ठीक है, और अगर मैं इसको पूरा हाई में कर लिया, मींस एकदम रेड में कर लिया हूं, तो ये जो पोजीशन देख रहे हैं आप पैरों, हमेशा पैरों की ओर मारे, ये मोड़ देखिए, ये मोड़ से, ठीक है, ये मोड़ से मारी नीचे पैरों की ओर। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट फेस पे आपको नहीं लगेगी हवा, गर्म हवा, जिसमें आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप नीचे करके और एसी को ऑफ करके आप इंजन का जो हीटिंग होता है उससे आप गर्म केबिन को गर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप लंबे समय तक, यानी हीटर
ऐसा हीटर यूज करके आप चलाएंगे बिना एसी कौन किए, तो जितना जो विंडशील्ड देख रहे हैं आप, ग्लास देख रहे हैं आगे का, रियर का और फ्रंट का, इसमें क्या होता है फॉग धीरे धीरे जमने लगता है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए फिर हमको या तो फ्रेश एयर इनटेक लेना पड़ता है या फिर ये जो फ्रंट का मोड देख रहे हैं आप, इसको ऑन कर करके देखिए ये ग्लास में भी जो यहां से हवा आपको मार के इसको साफ करना पड़ता है, बार बार ये प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे आपको यही एक प्रॉब्लम होता है कि जब आप एसी को ऑफ करके चलाएंगे तो ये प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा देर पे आपको होने लगेगी, ठीक है, अगर ऐसा यूज करते हैं तो। और आप ज्यादा देर तक आप ऐसे चला नहीं सकते, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम जाहिर सी बात होने वाली है। तो ये आप क्या करें कि थोड़ा देर तक आप चलाएं, ठीक है, उसका जैसे केबिन गर्म हो जाए आप इसको वापस से बंद कर दें। अगर ज्यादा चिल्ड मीन्स ज्यादा गर्म हो गया है तो आप थोड़ा देर के लिए फिर से बंद कर दें, फिर जैसे जरूरत पड़े फिर आप चालू कर सकते हैं। कब? जब आप एसी का बटन को ऑन नहीं कर रहे, तो अगर ऑन करके चला रहे हैं तो सबसे बेस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सिंपल से मैं बताता हूँ। चलिए थर्ड क्या होता है मैं आपको थर्ड बताता हूँ। जहां पे जैसे ही आपको अगर गर्म करना है केबिन और अगर आपका विंडशील्ड का भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो आप सबसे बेहतर है कि ये मोड को ऑफ ऑन कर करके यहां से मोड है ना, यहां से चेंज करके डायरेक्ट ऊपर की ओर कर ले। देखिए ये मीन्स आपको पैरों में आएगा और साथ साथ यहां पे भी आएगा। इसमें क्या एक बेनिफिट है कि जैसे से आपका जो इसका जो प्रॉब्लम होती थी विंडशील्ड में कि आपको फॉग जम जाता था, विजिबिलिटी लो होने लगती थी, अब क्या है कि यहां पे हवा स्प्रेड होते रहेगा जिसके कारण इसमें फॉग जमने ही नहीं देगा। तो आप थोड़ा लंबे दूर तक बिना मोड चेंज किए आप आराम से जा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये सारा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स एसी को ऑफ करके चलाने का, जिसको ऑफ करके चलाना उसका। तो आप सबसे बेहतर है कि ये मोड को ऑन कर ले, इससे क्या होगा इसमें आपका फॉग भी नहीं जमेगा और आपका केबिन भी गर्म रहेगा। बट ये भी एक नॉर्मल ड्यूरेशन के लिए, ज्यादा देर तक आप कीजिएगा तो इसमें भी आपको सफोकेशन होने लगेगी, इसमें भी कुछ देर के बाद आपको यहां से सिंपली ऑफ करना है, ठीक है। यहां से ऑफ कर दिए, फिर यहां से ऑन कर दिए, फिर वापस से सेटिंग करके यहां से ऑफ करना थोड़ा थोड़ा देर में। फ्रेंड्स लास्ट में बताना चाहता हूं सबसे बेस्ट है कि अगर आपका रोड खाली है, ठीक है, आपको एसी भी ऑफ रखना है, मीन्स कंप्रेसर भी ऑफ रखना है, सब कुछ नॉर्मल करना है और पैर की, और हमेशा याद रखें एक चीज, ये वाला मोड जब भी आप हीटर ऑन करें यही मोड ऑन रखें। इसमें क्या होता है कि नीचे से गर्म हवा मारेगा आपको, डायरेक्ट फेस पे आपको गर्म हवा नहीं जाएगा, जिसके कारण आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ये जो यहां से आप मोड देख रहे हैं कुछ रीसर्कुलेटिंग मोड में, अभी देखिए ये अंदर की हवा को ही सर्कुलेट कर रहा है। जब आप हीटर को ऑन करें तो हमेशा ये फ्रेश एयर इंटेक्ट वाला मोड कर ले, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गाड़ी आपका जो हीटिंग कॉइल की मदद से, जिस गाड़ी का जो इंजन का जो हीट है उससे क्या कर रहा है, गाड़ी को हवा बाहर से खींच रहा और गर्म करके आपको वापस से केबिन को गर्म कर रहा है। इसमें क्या होता है जो थोड़ा थोड़ा टाइम पे जो हमारे जो ऑक्सीजन लेवल गिर रहा, तो वो ऐसा नहीं होगा, बाहर से फ्रेश एयर इंटेक ले रहा, उसको गर्म कर रहा, फिर आपको प्रोवाइड कर रहा। तो एक जो ऑक्सीजन लेवल का जो मेंटेनेंस होता है, जो एक ऑक्सीजन लेवल होता है वो आपके लिए मेंटेन रहेगा, आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगा। लेकिन ये मोड तब यूज करें जब बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो, ज्यादा डस्टी एरिया ना हो। वरना क्या होगा, अगर डस्ट धूला गर्दा ज्यादा बाहर में उड़ रहा है तो ये बाहर से सक कर लेगा, आपके केबिन में बहुत सारा डस्ट गर्दा धूल वह आपके अंदर स्प्रेड कर देगा। तो ये मोड आप तभी ऑन करें जब आप एकदम क्लीन सरफेस में, बहुत क्लीन हाईवे में है, जहां पे एनवायरनमेंट क्लीन है, तभी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप बाकी सारे मोड को यूज करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया मोड यही है कि इसमें आपका देखिए पहला तो आपका एसी भी ऑन ऑफ रहेगा, ठीक है, एसी भी आपका जैसे ये ऑफ रहेगा और ये सिर्फ सर्कुलेटिंग मीन्स टाइम टाइम पे आपका फ्रेश एयर ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहेगा, फ्रेश एयर इंटेक्ट भी होते रहेगा और सबसे बेस्ट किफायती यही हीटिंग का प्रोसेस होता है। लेकिन ये तब यूज करें जब आपका एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन हो, ताकि वहां पे डस्ट एरिया गर्दा बिल्कुल भी ना हो, ताकि आपका केबिन साफ रहे और आपको एक बेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे सके। तो फ्रेंड्स मैंने अभी तक इसमें चारों मोड्स बता दिए, चारों तरह का टाइप्स बता दिए कि आप किस किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं हीटर को ऑन कर करके। तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तो यही मैं मानता हूं अब तक का कि आप एसी को ऑन ही रखें। हाँ, अगर आपका आपको बहुत ज्यादा फ्यूल बचाना है तो आप यही कर सकते हैं कि या तो पहला मोड में आप यूज करें कि थोड़ा थोड़ा टाइम टाइम पे आप इसको ऑन करें ऑफ करें, या फिर डायरेक्ट विंडशील्ड पे स्प्रेड करें, उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा टाइम पे ऑन करें ऑफ करें, और थोड़ा टाइम पे आप थोड़ा सा विंडो भी हल्का सा
खोल करके फिर से इंटेक ले ले, फिर से ऑन कर ऑफ मींस सारा विंडो को अप कर ले थोड़ा थोड़ा देर के लिए, ताकि आपका जो ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन रहे और आपको एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी दे सके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड आपको सारा डाउट क्लियर हो गया, आप आराम से हीटर यूज कर सकते हैं जैसा आपका नीड हो उस टाइप का। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें भी कोई कंफ्यूजन थे तो आप मुझे सिंपली कमेंट करें, मैं वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।